नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। रुद्रपुर में थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान देखते ही देखते विवाद के बाद तमंचे निकल गए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ऐसे में वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में 5 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो किस बात को लेकर मौके पर निकल आए तमंचे, ये आप भी देखिए। उधम सिंह नगर के थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के आजाद नगर वार्ड नंबर 4 निवासी गंगाधर मौर्या ने थाना पुलिस को तहरीर सौंपकर बताया कि वो टेलर का काम करता है और एक दुकान भी संचालित करता है। इस दौरान दुकान में कपड़े की कटिंग करने के लिए एक युवती अक्सर दुकान में आया करती थी, जिसको लेकर उसके भाई ने उस पर शक करना शुरू कर दिया। ऐसे में बीती 7 सितंबर की देर रात वीरेंद्र अपने साथ 5 लड़कों को लेकर उसकी दुकान पर आया और उसके साथ गाली गलौज करते हुए लात घूसों से पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद उसके परिचित सोनू यादव ने किसी तरह बीच बचाव कर ये मामला शांत कराया, लेकिन 8 सितंबर को सुबह करीब 10:30 बजे मनोज चौहान अपने 3 साथियों को लेकर उसकी दुकान पर आया। जानकारी के मुताबिक मनोज चौहान ने उस पर तमंचा तान अपने 3 साथियों के साथ उसको बुरी तरह से मारा। साथ ही मनोज चौहान ने उसके सिर पर तमंचे की बाट से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ऐसे में जब सोनू यादव ने बीच बचाव का प्रयास किया तो मनोज चौहान ने दोनों पर तमंचे से 3 फायर कर दिए, जिसमें वो बाल बाल बच गए। इस दौरान लोगों की भीड़ को आता देखकर मनोज चौहान और उसके 3 दोस्त धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले में सीओ सिटी अमित कुमार ने बताया कि कल 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तमंचे से फायर झोंकने का आरोप लगाया है। ऐसे में पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इसमें 2 पक्ष में मारपीट को लेकर एक मामला था, जिसमें एक पक्ष द्वारा तमंचा ले जाकर मारपीट करना प्रकाश में आया है, जिसमें ये भी प्रकाश में आया कि 3 राउंड फायर किए गए हैं। इसमें प्रथम दृष्टया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 307 में इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। बाकी अभी इसमें विवेचना प्रचलित है। सर, तमंचा बरामद हो गया? सर, तमंचा और कुछ कारतूस बरामद हो गए। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।